जेल। ये भी एक पवित्र जगह है क्योंकि इसने महात्मा गांधी और श्री कृष्ण के जन्म को देखा है। यहाँ कास्ट, ग्रेड, रेस, जेंडर या ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं। जिन्होंने पाप किया है वो यहाँ आते हैं और जो पाप नहीं जानते वो भी यहाँ आते हैं। सूर्य भगवान निकल गए, चलो उठो, चलो जल्दी चलो। उठो, ए भगवान, जवान मूछे, दुबला पतला शरीर और जवान लड़का, जेल में आया ही तुझे एक दिन नहीं हुए और तू खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है मर्डर के केस के लिए। तुम बोलते क्यों नहीं हो? साइलेंस या वायलेंस का तरीका फॉलो करते हो? इसको डार्क रूम में ले जाओ, वहां सजा मिलेगी तो बोलने लगेगा। सर, डार्क रूम की कोई जरूरत नहीं, आप इसे वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। तुम ही तो इसकी कंप्लेंट लेकर आए थे और उसके फेवर में बोल रहे हो। या तो तुम इसकी फेवर छोड़ दो या मेरे को बेवकूफ बनाना। सर, एक मर्डर हो या कई मर्डर हो, सजा तो बराबर ही मिलती है ना। इसे एक इंसान मारने का एक्सपीरियंस है और मुझ पर मेरा परिवार निर्भर करता है, और अगर बाद में हमला किया तो अच्छा छुटकारा मिलेगा। जी, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी सर। सूट करता तुम पर। ये कोई फीमेल नहीं सर, देवी का नाम है सर। सच में मर्डर किया? एक पुलिस ऑफिसर को भी मारने के बाद वो बच जाता है, इतना जिगर होने के लिए उसकी माफिया बैकग्राउंड होगी। साइनेट से भी ज्यादा खतरनाक है। वो इस तरफ आ रहा है, चलो बचकर निकलते हैं। We'll be right back.
एक मिनट। प्लीज बैठो भाई। भाई नहीं, उसे सर बुलाओ। प्लीज बैठो सर। क्या आपने सच में किसी को मारा है? उसे क्यों मारा? मर्डर के बाद आपने सरेंडर कर दिया या खुद पकड़े गए या भाग गए? बेटा से आए लड़कियां, जोश से आए युवा। ए, तब लोग ये क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। अरे तुम क्या कर रही हो? ये बछड़ा सारा दूध पी जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? उसे रिकॉर्डिंग डांसर के साथ डांस करते हुए देखा गया है। वो अभी तक नहीं उठा है। अभी तक उठा नहीं? अपने ही बाप को लात मारता बेशरम। क्यों परेशान कर रहे हो? अब ये बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। तुम नहीं जानते, वो नींद डिस्टर्ब होने से चिढ़ जाता है। तुमने उसे क्यों परेशान किया? तुम्हें उसे क्या काम है? दिखाओ। एज के हिसाब से तुम्हारा रवैया ज्यादा है। मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता। सरपंच का बेटा आ रहा है दोस्तों। तुम डरे हुए क्यों हो? वो भी यहीं खेलेगा है ना? आओ बेटा, प्लीज मेरी सीट ले लो। ए, मुझे भी काट बांटो। पैसा लगाओ। सर और सरपंच। सरपंच के बेटे हो तो भलाई के काम करो, ऐसे मत एक्ट करो कि तुम हमारे मालिक हो। पैसे लगाओगे तो खेलने देंगे। बेटा, उसके पीछे एक्स्ट्रा गार्ड है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है।
तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? जो किस्मत पर यकीन करता है उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन मेहनत करने वाले का भाग्य जरूर साथ देता है। मैं यकीन करता हूँ, लड़ना है तो मेरा सामना करो, बचना चाहते हो तो भीख मांगो, अगर फिर मेरा कॉलर पकड़ा तो मैं अपना आपा खो दूंगा। अबे मैं फ्यूचर एमएलए हूँ, मेरे बचपन से ही मेरे आगे सारे झुकते हुए हैं, लेकिन तू कभी नहीं झुका, तुझे क्या काट डालूं क्या? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। चलो दोस्तों, हमें किसी भी कीमत पे ये बाजी जीतनी है। चलो चलो भाई, ट्रेन चलने से पहले बियर खत्म करनी है। चलो चलो दोस्त, ट्रेन खत्म चलने से पहले बियर खत्म करनी है। चलो चलो चलो, जल्दी करो दोस्त, जल्दी, हमेशा जीतनी है। यस। ए नेफ्यू, तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, लग रहा आजकल लक तुम्हारे फेवर में है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुमने सरपंच के बेटे को मारा है। हे 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 यार, सरपंच का बेटा मर गया यार, तुम्हें ढूंढ रही है यार। कल घर पर नहीं होंगे। तुम चाहती हो मैं जाऊं? मेरे घर पर? बिल्कुल नहीं। तुम डरती क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना। उसी से तो डर लगता है। मैं तुम्हारी आंखों से प्यार का इजहार करते थक गया हूं। अगर हम फिजिकल होंगे तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। सर, मैं पेड़ से प्यार करने के लिए कहा जाता है, पेड़ के नीचे नहीं। मैं तुम्हारी फिलैंथ्रोपी की सराहना नहीं करती कार्तिक। ये फिलोसफी नहीं है, मैं कर्जा चुका रहा हूँ। तुमने किसी भिखारी से कर्ज लिया है? छी, तुम कितने घटिया हो कार्तिक। जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है मेरे साथ। लगातार चलने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हैदराबाद में बहुत सुंदरता है पर खाना नहीं है। ए, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे।
पैसे दो। क्यों? डांस नहीं किया? ओह गॉड, ये क्या कर रहा है? मेरे को दो। कमीने, मैं तुझे शराब देता हूँ। तो फिर मैं तुम्हें दोबारा शराब देता हूँ, मुझे कम मत समझना। ये तो पेशाब की धारा में भी मछली पकड़ लेता है, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो कमीने। जय नाना पाटेकर। माफ करना। मैं फल बेच रही हूँ, खरीदोगे? कितना? 1 घंटे के लिए 1,000 और पूरे दिन की 10,000। तुम्हारे फ्रूट्स में क्या गोल्ड सीड हैं? सौदे पे जी मत करो, मैं बहुत ताज़ा हूँ। तुम्हारी साड़ी ताज़ी है, तुम्हारे फूल ताज़े हैं और तुम्हारा फल भी। पर क्या तुम फ्रेश हो? तुम ताज़ी हो तो फिर मैं क्या हूँ? सेंचुरी हीरो हो। सेंचुरी? मैंने अभी तक एक भी स्कोर नहीं किया, इसलिए मैं अभी भी सिंगल हूँ। बकवास बंद करो, काम की बात करो। कितना दोगे? जितना मांगोगी। कर्जा दोगी क्या? मैं फाइनेंस से दिखती हूँ या अपना शरीर बेचने वाली दिखती हूँ? इसमें क्या गलत है, दोनों ही बिजनेस है। जाओ अपने लिए नौकरी ढूंढो, यही बेहतर है। उसने बुलाया और मुस्कुराई, फिर डांटा और चली गई। रामायण में एक ही मिस्टीरियस मृग था, पर यहाँ तो औरतें भी वही हैं। बहुत अच्छा, भगवान आपका भला करे। सर सर सर, मेरे पास खुले फोन पे गूगल पे सब चलता मेरे पास सर। मेरे पास फोन नहीं है, मैं सिर्फ कार्ड लेकर चलता हूँ। हेलो गुरु, आई हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। हाँ, बाप के पास पीने के लिए पानी नहीं और बेटे ने शराब की मांग की। चलो यहाँ से। ओके, कोई बात नहीं। ए, अपना कार्ड स्वाइप करना चाहते हो? हाँ हाँ, करो करो। पैर को क्या हुआ है? इसका एक्सीडेंट हो गया था सर। और हाथ? इसका भी। ऐसा क्या, तो तुम भाग नहीं सकते? चल बहुत मुश्किल से पाता हूँ, दौड़ कहाँ पाऊंगा। यू आर थिंकिंग रबिश एंड फूलिश। सफर में जैकपॉट की तरह दिखता है। अरे हेलो सर। अरे भिखारी का सामान चुराता है, चोर चोर चोर, पकड़ो इसे पकड़ो। अरे भयानक, बहुत मरेगा तू। अरे तुम्हें इनका सामान तो मिल, तुझे मैं ठोक डालूंगा। अरे तुम मिल तो सही। सॉरी, तुम्हें चोट लगी है? हेलो ब्यूटी, मेरा सामान मुझे वापस दिलवा दो। तुमने किसी भिखारी के पैसे चुराए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। मैडम मेरे पैसे। ये क्या है सर, तुमने भिखारी से चोरी क्यों की? तुम्हें अकल नहीं है क्या? उसके पैसे वापस दो, इसे वापस दो या मैं पुलिस को बुलाऊं। ओ हेलो, लालच के लिए चोरी नहीं की, मैं भूखा था। तुम्हें खाना चाहिए ना? हाँ? एक सेकेंड। हे हे, वो मेरा बॉक्स है, तुमने उसे मेरा बॉक्स क्यों दिया? हाँ अरे इसे छोड़ो ना। पेट भर गया या और चाहिए? ये काफी नहीं था। हे, वो मेरी फेवरेट चॉकलेट है, रुक से वो भी दे दोगी? मुझे तो वो बिल्कुल जंगली इंसान दिखता है। तुम प्लीज पूजा कर लो, मैं तब तक परिक्रमा कर लेता हूँ। ओके पापा। लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे थोड़ा सा ध्यान से। तुम सिर्फ पुजारी हो, भगवान नहीं, इसलिए अपनी हद में रहो। मंदिर दाताओं का है और प्रसाद भक्तों का है, जितनी बार वो मांगते हैं उतनी बार तुम्हें देना चाहिए। तुमने ये कैसे बोला कि उन्हें अब नहीं मिलेगा? अम्मू, मुझे अपने जूते नहीं मिल रहे। वो ये
नहीं थे, ये नए पेयर थे। रहने तो पापा, इसे अच्छा ही समझो। तुम ऐसा सोचती हो? चिंता मत करो। ठीक है। बाबू, ये पानी सिर्फ पीने के लिए है। नांगली धनराज गौड़, ये कौन है? मेरे सर। उस धनराज गौड़ ने अपने पाप धोने के लिए ये जल कुंड लगवाया होगा। हाँ, पर तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? तुम्हारा और उसका कुछ है क्या? और ये तुम्हारा है जो इसे बार बार सर्व किए जा रही हो? तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या? हे, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे घर वाले मुझे लड़का नहीं गधा समझते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मेरी आवाज़ पे कमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई? रुको 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 रुको, क्या हुआ बेटी? आप जाओ पापा, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे नहीं मारा। मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुम्हारा अंत ही होगा। तुम देखो, मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। हाँ, तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे नहीं मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आदमी को मारने की? मैं मारूंगी, मैं क्या करूंगी तुम? मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? रुको रुको, मेरे करने से पहले नहीं। हाँ, पागल लगता है। तुम हो कौन? सबके गॉड फादर बने फिर रहे हो। दो दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। पहले तुमने भिखारी के पैसे चुराए, प्रसाद न देने पर पुजारी को मारा, और अब ये औरत। तुम पागल खाने से भागे हो या टार्जन जैसे जंगली आदमी हो? तुम सही कह रही हो, तुम शहर वालों को सारे किसान जंगली आदमी लगते हैं। तुम किसान हो? पिछले साल बारिश की कमी की वजह से कुछ भी फसल नहीं होगी। इस साल उसने मेंढकों की शादी कराई क्योंकि इसे बारिश होती है, और फिर भारी बारिश की वजह से मेरे खेत भर गए और घर में पानी भर गया। न नौकरी रही, न खाने को कुछ रहा, कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं शहर आ गया। और यहाँ हर कोई जॉब के लिए एक्सपीरियंस, बारिश या फिर पैसे मांगता है। मेरी भूख मुझसे ये सब करवाती रही और तुम मुझे पागलों की तरह हंगामा करते हुए देखती। सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी। किसान तो इस देश की बैकबोन है। तुम्हें नौकरी चाहिए है ना? हाँ बिल्कुल। मैं यही रहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। थैंक यू मैडम। तुम्हारे पास किस तरह की स्किल है? मैं ट्रैक्टर चला सकता हूँ। ओ, ड्राइव कर सकती हो? लाइसेंस है तुम्हारे पास? मैं अपने ट्रैक्टर में भूल आया। क्वालिफिकेशन? डिग्री। सर्टिफिकेट कहाँ है? उन्होंने नहीं दी क्योंकि मैं एग्जाम में पास नहीं था। सॉरी। ओके, मेरे साथ आओ। जरा रुको, ये तो पापा के जूते जैसे दिखते हैं। तुमने कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर इतने कीमती जूते कहाँ से आए? ओ ये, मैंने उन्हें एक मंदिर के बाहर से चुराया था। तुम्हें लगता नहीं ये गलत है? क्यों, कोई मेरी चप्पल चुरा के गया था, उसने ऐसा करा तभी मैंने ऐसा किया है। पर मुझे शक है टीसी ने मेरी चप्पल चुराई होगी। टीसी? हाँ, मैं बिना टिकट के सफर कर रहा था ना, गुस्से में आकर चालान काट रहा था, मैंने पैसे नहीं दिए और फिर सीट पर सो भी गया, तभी उसने चुरा ली होगी। तुम गलत होते हुए भी ईमानदार हो, ये तुम्हारी खासियत है। थैंक्स। अगर तुम्हें तुरंत नौकरी चाहिए तो ऑफिस बॉय की नौकरी है, ठीक है ना? कॉबॉय, ऑफिस बॉय, चॉकलेट बॉय, लवर बॉय, ऑफिस बॉय, मुझे राइम पसंद है, पर मैं क्या करूं? तुम्हें सबको चाय और कॉफी सर्व करनी होगी, यही रहना होगा, और आखिरी दिन सैलरी भी। मैं चाय कैसे सर्व कर सकता हूँ? मैं एक रिच फैमिली से हूँ। तुम अमीर भी नहीं हो और बेकारी से कम भी नहीं। तुमने कहा था बाढ़ में तुम्हारा घर उजड़ गया, जब तक कोई बेहतर नौकरी नहीं मिलती तब तक एडजस्ट कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, क्या 500 उधार दोगी? कल मैं एक जूस पैलेट गई थी, मुझे वहाँ खाना बहुत अच्छा लगा। जूस पैलेट कहाँ है? शुक्ला, आई लव यू। शट अप, तुम्हें कितनी बार बताना होगा? अगर फिर से तुम इन लेटर्स और फूलों के साथ मुझे दिखे ना, तो कंप्लेंट प्रिंसिपल को नहीं सीधा पुलिस को करूंगी। चलो।
हमारे कॉलेज में हर कोई तुम्हें प्रपोज करता है पर मुझे नहीं। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक महीना हो गया है, मुझे सैलरी मिली है। ये तुम्हारा उधार और ये इंटरेस्ट। अब ये बताओ, दिखावा क्यों कर रहे हो? वैसा ही समझो। वैसे तो ये आउटसाइडर को कॉलेज में आने नहीं देते, तुम अंदर कैसे आए? यकीनन वो बेवकूफ है। सर, आपके बेटे का हत्यारा राजा हैदराबाद में मिला है। ये लेटर किसने भेजा है मिस्टर मूर्ति? ये हैदराबाद से तुम्हारा बेटा है। भेस बदल कर रहने के लिए कॉल करने की बजाय उसने लेटर भेजा। हाय पापा। बाय डियर। हे शुक्ला। हे, तुम भी लेट हो गई। वो मुझे लिफ्ट देने वाला था। क्या हुआ? मुझे निकाल दिया। क्यों? ये कैश लो और हमारी साइट इंजीनियर को दे दो। ओके सर। जब तक मैं साइट पर पहुंचा, इंजीनियर जा चुका था। वापसी के रास्ते में मैंने एक क्लब देखा। एक और 1000 रुपए कमाने के लिए मैंने पोकर खेला, पर शो मैंने 2000 रुपए लौटा दिए। खोया पैसा वापस लेने के लिए मैंने फिर से ट्राई किया। मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने तुम्हारे अंकल को सब कुछ बता दिया और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। वो सैलरी दे रहे थे, खाना दे रहे थे, फिर इतने लालची क्यों हो रहे हो? मैं लालची नहीं हूँ, मुझे जरूरत थी। बहुत टाइम से वाइन नहीं पिया है। तुम ड्रिंक करते हो? हाँ, पर स्मोकिंग की तरह रोज रोज नहीं। स्मोक? मुझसे कभी मत मिलना, चलो। क्यों? तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? कोई एक बुरी आदत जो तुम्हें ना हो बताओ। अच्छा, तो फिर अब एक अच्छी आदत बताओ। सब अच्छे लोगों में अच्छी आदतें नहीं होती, ना ही बुरों में सब बुरी आदतें। आद्या, चलो। हे शुक्ला, हे मेरी बात सुनो। हे सुनो तो। सर सर सर, रुकिए रुकिए, बाहर जाइए, बाहर जाइए जी, बाहर जाइए। शुक्ला, तुम उससे बात नहीं कर? बिल्कुल नहीं। आद्या, तुम उसे क्यों नहीं बताते? आओ आओ। क्या हुआ, तुमको चोट लग गई क्या? मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा खून भी निकल रहा है। यही सब ही होता जब तुम्हारी बात नहीं मानते, तो इसलिए तो हमारा आशीर्वाद के लिए तुमको बहुत जरूरत होती है। क्या कहते हो, ये क्या है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, तो मतलब आज से तुम मेरे रखवाले हो? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी बात सुनूं। Why should I bear you? मैं खुद पर एक बोर्ड लटकवाऊंगा जिस पर लिखा होगा, इस भिखारी के पैर ठीक हैं और वो जनता को धोखा दे रहा है और सिंपति की आड़ में उन्हें लूट रहा है। फिर तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देगा, समझे? ए, मुझे लात मारो चलेगा, लेकिन मेरे धंधे को लात मत मारो। समझ रहे हो ना मेरी बात को तुम? तो चलो ठीक है, चलो। देखो, ये तुम्हारा घर है या भीख मांगने आए हो? ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है। You know one thing? It's my dad gifts. आओ। Yo, welcome, welcome. तुम और तुम्हारा घर एक दूसरे के लायक नहीं है। तुम्हारे पास इतना बढ़िया घर कहाँ से आया? It's my hereditary profession, bro. क्या मतलब? ओ, तो तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, है ना? ये हमारा खानदानी पेशा है। ये तुम्हारा परिवार का पेशा नहीं लगता? शर्मनाक मजाक है। यहाँ तो कुत्ते नहीं है, फिर कुत्तों से सावधान होने वाला बोर्ड क्यों टांगा है? भिखारियों को बाहर रखने के लिए? हाँ, यो सिली। ये किसी चाबी से नहीं, मेरी आवाज को पहचान के खोलेगा। अब देखो और सुनो। अरे मुझको कुछ दे दो भाई।
कोई कुत्ता नहीं बल्कि बोर्ड, कोई चाबी नहीं बल्कि वॉइस रिकॉग्निशन। तुम तो शानदार जिंदगी जी रहे हो। मैं मैनेज नहीं, मेंटेन कर रहा हूँ। कम कम, वेलकम 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 टू माय हाउस। आओ, ये मेरा साम्राज्य है। इतनी किताबें क्यों हैं? तुम उन्हें बेचते हो क्या? मैं एल भी कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है, मैं इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं तुम क्या करते हो, बस मुझसे दूर रहो। अरे भाई, तुम कहाँ से हो? मेरा शहर। सही, आई एक्सेप्ट इट। और भाई, ये आईना नहीं है। अबे अम्मू, वो अम्मा। ए भगवान, ये पक्का एक विलेज साइंटिस्ट है। पागल इंसान, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं फिसल रहा हूँ, तुम भी आओ। मैं उस पर फिसल रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। नहीं, तुम्हारे गाल चिड़िया के घोंसले की तरह गोल मटोल है। तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? शायद हाँ। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं इसे अच्छे से खर्च कर सकता हूँ। हमारे पास बहुत जमीन है। मेरे पास पेशेंस है। तुम्हें पेशेंस है या हल जोतने की आदत है? तुम नॉटी। ओ, तुम भी ना। ये क्या है? क्या है? बेल्ट। ये तो अच्छी है। क्या? बेल्ट। आ गया। इडियट। हेलो। हर इंसान को दूसरे इंसान को माफ करने का दिल होना चाहिए। सभी को ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब तो दो। तुम, हेलो भाई, तुम्हारे पास वोटिंग राइट है? मैंने अभी एक फ्रेंड को उधार दिया है, वापस दे देगा। जैसे ही तुम्हें मिल जाए तो तुम वोट देना भाई। जरूर सर। आपकी पार्टी का नाम क्या है? हाई फाई पार्टी भाई। हाई फाई पार्टी? और सिंबल? वाईफाई सिंबल। वाईफाई, हाईफाई, वाईफाई, बढ़िया। अरे ये तो बिल्कुल अमरूद जैसा है, स्वादिष्ट भी है। वाह, हम यम्मी। अरे मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि वो तोते ने काटा है, उसे तुमने काटा था। छी, कमीने। तुम पागल हो गए क्या? दरवाजा खोलो। ए, कहीं नहीं जाएगी तो चुपचाप यहाँ बैठ। उस दिन तुमने मेरा प्रपोजल मान लिया होता तो तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरे साथ होती, लेकिन अब तुम्हें पूरे ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। नहीं ब्रो। ब्रो 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 का मतलब क्या होता? बेस्ट रोमांटिक ऑप्शंस। मेरे नजदीक मत आना, मैं चिल्लाऊंगी। तुम कितना भी चिल्लाओ तुम्हें कोई नहीं सुन सकता यहाँ पर। मदद के लिए कोई नहीं है यहाँ। मैं हूं ना। कर्ज तुम्हारी कमाई नहीं है, एक पंच तुम्हारी ताकत को डिफाइन नहीं करता, उसी तरह रेप मर्दानगी नहीं दिखाता। एक्सक्यूज मी, इस बारे ईमानदारी से काम करूंगा, कोई गलत काम नहीं, भरोसा करो प्लीज। ये कौन है अब? ए, उससे कहो मेरी ईगो हर्ट कर ले, लेकिन शर्ट को हाथ ना लगाए। ए, मेरे पास एक ही शर्ट है जो अच्छी दिखती है। ब्लडी शर्ट। तुम मेरी शर्ट फाड़ने में काबिल हो सकते हो,
लेकिन मैं तुम्हारा पेट चीरने में काबिल हूँ। क्या भगवान, ना समझ आदमी, मैं जिंदगी में इस आदमी का दोबारा चेहरा नहीं देखना चाहती, पर तुमने मुझे बचाया है, अब मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। हेलो मैडम, धूप में गर्मी से, बारिश में पानी से, और तुम्हारी सिक्योरिटी के साथ मेरी हरकतों से कोई नहीं बचा सकता। सैटरडे को पैदा हुए थे। तुम्हें कैसे पता? अब शकुन की तरह जो मंडरा रहे हो। हाय पापा। मॉम, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं ली? सॉरी स्वीटहार्ट, आई वाज मीटिंग विद माय स्टाफ मीटिंग, यू नो दैट। हाय स्वीटी। पापा पापा, आपके लिए सरप्राइज है। क्या हुआ? आज के बाद से ये हमारा ड्राइवर है। मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है। गाड़ी चलाते समय आप हमेशा कॉल पर होती हो, ये आपके लिए नहीं सड़क वालों के लिए भी खतरनाक है। पापा ज्यादा मत सोचो, उसने मेरी मदद की है। पापा, इज इट ए रिक्वेस्ट और डिमांड? ये मेरा ऑर्डर है। अगर बेटी ने ठान लिया तो बाप कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रजनीकांत। तुम्हें ये नाम दिया था या तुमने रखा? यही मेरा नाम है। ठीक है, ध्यान से। ब्रह्मम। जी सर। ये क्या सर? ये हमारा ड्राइवर है, कोई आगे सब चीज के बारे में बता दो। ठीक है सर। मैडम आपका खाना तैयार है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं वर्कहॉलिक से हूँ। मैं रजनी हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ। ये परेशानी देने वाला आदमी लगता है। मैं यहाँ का सीनियर कुक हूँ। ए, तुम कुक हो तो फिर कुत्ते ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये मुझ पर पैन इंडिया मुखिया बरसा रहा है। मैं ऑल इन द वन हूँ भाई, समझे? और गेट के बाहर मैं एक वॉचमैन जैसा हूँ, और जबकि घर के अंदर मैं एक जेंटलमैन हूँ, और काम के बाद मैं बस एक आम आदमी। तुम कॉमन मैन नहीं है, कॉमेडी मैन लगते हो। ठीक है, तुम्हारी उम्र एनर्जी मांग रही है, समझे? अगर तुम मेरी गुड बुक्स में रहोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा। हाँ, पर अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नर्क दिखाऊंगा, समझे? इस तरह। hey. ये क्या है? कड़ी में नमक नहीं, अचार में मसाला नहीं, चावल भी पके नहीं है, और ऊपर से इसमें पत्थर के दाने भी हैं। ए, सर और मैडम यही खाते हैं, समझे? बिना किसी कमेंट के तारीफ के साथ। स्पाइस की साइड डिश, वो पहले से ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। घी क्यों नहीं पिघलाया? मैंने लकड़ी पर पानी डाल दिया है, करी वैसे भी गर्म है। प्लीज इसी से काम चला लो ना डियर। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। तुम कितने रूड हो, तुम एक दिन खाना खाने के लिए तरसोगे। छे, पता नहीं था माँ का श्राप इतना शक्तिशाली होता है। कभी शाही खाना खाता था और अब ये, मैं भूखा भी तो नहीं रह सकता। छे। तुम क्या देख रहे हो? कपड़े का बस यही टुकड़ा तुम्हें मिलेगा, तुम इसे बिछाने के कंबल की तरह रहो, आउट हाउस भरो और तुम्हें सोने के लिए एक आरामदायक जगह। चलो है। सुनो बेटा, तुम्हारे अंकल के घर मेहमान आए हैं, प्लीज अपने पैर के नीचे वाला तकिया दे दो। सिर्फ तकिया ही क्यों, ये भी ले लो, ये खाट भी ले जाओ। हे तुम बूढ़ी। उसने मेरा गोला तोड़ दिया। कैसे हो तुम? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जिंदा रहते हुए नर्क देखोगे, मारे ऐसी की तैसी। ये बदकिस्मत ने तो मुझे वाईफाई के नेटवर्क की तरह घेर लिया है।
सकता है। शिट, यहाँ की ठंड और मच्छर तो मुझे सोने ही नहीं दे रहे हैं। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपर्ट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कैसीनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपर्ट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। ये क्या है मॉम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड और मच्छरों की वजह से मैं बाहर नहीं सो पा रहा हूँ। तुम अंदर कैसे आए? तुम माउंट एवरेस्ट पर नहीं रहती, ये काफी आसान चढ़ाई थी। तुम एक समझदार इंसान नहीं हो। जानता हूँ। खुद पर शर्म नहीं आती? नहीं। क्या चाहते हो तुम? मुझे बेडशीट चाहिए। बेडशीट? बेडशीट के लिए तुम बिल्डिंग पे चढ़ गए? कब तक इस तरह बिहेव करोगे? तुम अपना बिहेवियर नहीं बदलोगे? मैं कैलेंडर की डेट नहीं हूँ जो हर दिन बदलती रहती है। मुझे बेडशीट दो और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ये लो। ओके, बाय। क्या कुछ और मांगू तो दोगी? क्या चाहते हो? प्लीज। हे, पास मत आना, दूर रहो, दूर हो जाओ। ये ठीक है, मना मत करना। नहीं, नजदीक मत आना। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मैंने ठीक से खाया नहीं, मुझे भूख लगी थी। तुमने इसके लिए पूछा? हाँ, तुमने क्या सोचा? जाओ जाओ बेवकूफ। दिख रही है क्या? हुआ लड़की, तुम बहुत टेंस लग रही हो, क्या हुआ बताओ? शिट शिट, मैंने इसे सुबह किया। वो नहीं, तुमने उसे देखा? मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा है। मुझे अपना डायमंड नेकलेस नहीं मिल रहा है। क्या तुम्हारा डायमंड नेकलेस चुरा दिया? मैं जानता था वो चेहरे से लुटेरा ही लग रहा है। हाँ, मुझे पता था। हाँ, तुमने बिना किसी पूछताछ के इंटरव्यू के नौकरी में उसको रख लिया, सिफारिश की उसकी। लगता है वो अब तक रोड पर चल चुका होगा। क्या है? हे, मेरा डायमंड नेकलेस वापस दो। कौन सा नेकलेस? बनो मत। वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो करेक्टर जी रहा है। हेलो, मैंने चुराया होता तो अभी तक बेच दिया होता, हर किस्मत बना ली होती। इस कार में बैठकर काम क्यों करता? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम भी इस पर भरोसा मत करना, जल्दी जाओ 100 नंबर पे फोन करो, इसे संभाल लेंगे, 108 में पैक करके भेज दे। क्या हुआ सर? बेटी का नेकलेस चुराया गया और अब ये ओवरस्मैड हो रहा है। ये क्या है? ये हंगामा क्या है? हंगामा नहीं है मैडम, इंसान के रूप में राक्षस है, इसने आपकी बेटी का नेकलेस चुराया। कौन सा नेकलेस? जो मेरे पिछले बर्थडे पर पापा ने गिफ्ट दिया था, जॉय लुकास। हाँ बिल्कुल। ओ बेबी, कल मेरी दोस्त की पार्टी थी तो मैं वो पहन कर गई थी, वो मेरे पास है। ओहो, बेवकूफ, चूल्हे पर कुछ जल रहा है। ये कभी ना है, चिंता मत करो, चलो। सॉरी। जब कोई बुजुर्ग मरता है पूरा गांव उसके लिए रोता है, लेकिन सिर्फ कब्र खोदने वाले ही हंसते हैं। ये उसकी गलती या कमी नहीं है, ये उसका स्वभाव है। भगवान कृष्ण को समंत कमानी के लापता होने का दोष दिया गया था। सीता ने भगवान राम पर संदेह किया जब वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, यहाँ तक कि देवताओं को भी अपमान से नहीं बख्शा किया। मैं तो इंसान हूँ। उसे क्या लग रहा है? चलो। क्या रे, अभी तक सोए नहीं तुम लोग? पता नहीं मेरे कमरे में कौन है। वहाँ कौन है? कोई जर्नलिस्ट है या टेररिस्ट है? हाँ, ये है क्या भाई? लोग क्या हुआ?
शिट। हे, उठो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और टायर पंचर है। उठो। डोंट वरी सुधा, वो वॉशरूम में फिसल गई थी, ये उसकी वजह से नहीं लगता है बिल्कुल भी। सच में? हाँ, ये कुछ अलग चोट है। सब कुछ ठीक है? हाँ, बाकी सब ठीक है। वैसे लहरी, तुम्हें सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दोगे क्या? वैसे भी एक हफ्ते आराम करो। तुम अगर उन्हें कोल्ड ड्रिंक दोगे तो चाय और कॉफी कौन पिएगा? चाय कॉफी कोई नहीं पीता, इसलिए कोल्ड ड्रिंक दे रहा हूँ। नहीं, काम से काम कर रखो, ठीक है? तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है कि क्या देख रहे हो। मैं श्री कुल्ला हूँ, मेरा क्षेत्र, मेरी जाति और मेरी ताकत भी। मैं झुकेगा नहीं। इतनी पियोगे तो गिर जाओगे। हाँ मॉम, ओ बेबी उठ गई, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कौन सा फंक्शन है? ओ, मैं बताना भूल गई, मिस्टर लिंगराजू को जानती हो? वो भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है। उनका पोता तुम्हें पसंद करता है। तुम्हारे पापा को भी ये बात अच्छी लगी, वो आज रिश्ते को ऑफिशियल बना रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ रवि, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। मैडम, जूस। दर्द कैसा है? ज्यादा हो गया। मुझे लगता है अब सही है। मैं इस दर्द की बात नहीं कर रही तो? इस दर्द की बात कर रही हूँ। समझा नहीं। देखो, मुझे ये मैच पसंद नहीं है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। प्यार? हाँ, देखो ना, पापा नाराज हो और ना ही रिश्तेदार मेरे परिवार का अपमान करें। ये मैच नहीं फिक्स होना चाहिए। तुमने मुझ पर बहुत एहसान करे हैं। एक काम करो, मुझे उस लड़के का नंबर दो। हेलो, एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं शुक्ला का बॉयफ्रेंड हूँ। व्हाट? हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और ये 100 साल और चलेगा। बट हाउ कैन आई बिलीव यू? ऊपर देखो, वो रो रही है ना? या, शी इज क्राइंग। मेरे पास एक और जानकारी है, भले ही तुम उससे शादी कर लो, हम इस रिश्ते को जारी रखेंगे। तो तुम्हें इस लव स्टोरी का विलन बनना है या रखवाला, वो तुम्हारे ऊपर है। अरे, खेलना है तो फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, अगर वो की जिंदगी से मत खेलो। पता अगर सच लगा तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा? इंक्वायरी करके ब्रो। इसीलिए तो उसे मैंने तुम्हारे फोन से कॉल किया। ये मेरा है, ये कैंसल हो गया है, अगली बार आएंगे। चलो चलते हैं। उसे क्या हो गया है? क्या हुआ? उसे लड़की पसंद नहीं आई है ना? हा? उसे देखते ही समझ। तुमने उसे क्या बताया? तुमने उसे वार्निंग दी या क्या? दोनों हल्की हल्की। तुमने मेरी मदद की, मैं इसके लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। वैसे मैंने तुम्हें काफी बार फोन इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड होगा। किसने कहा मैं अपना फोन इस्तेमाल नहीं करती? मुझे वो पसंद है। मिस्टर रजनीकांत, हे, वो शादीशुदा है। वो शादीशुदा है, लेकिन तुम नहीं हो ना? ये हमारी जाति का टॉपर है, फिल्टर करने के बाद मस्त लगा है मुझे। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी भी राय दोगे तो फाइनल कर सकते हैं।
ऐसा ही सर। क्या हुआ? ये मर्डर केस में इन्वॉल्व है। बेबी, तुम्हें क्या हुआ? सुस्त लग रही हो? तुम अब भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो? बिल्कुल नहीं। एक इंसान जो खून करता है वो जीने के लायक नहीं है। मुझे उस आदमी से नफरत है, नफरत है। तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है। उस लड़की तुम्हें कैसे प्यार किया रे? वो पागल हो गई थी क्या? ये सब तो बकवास है। उसके पास प्लेन के पैसे हैं और तुम्हारे पास तो चलने की भी पैसे नहीं। अरे क्या करोगे तुम लोग यार? तुमने इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, मैं तुझे बता रहा हूँ। उसने तुमसे कैसे प्यार किया? लड़कियाँ उनसे प्यार करती है जो उनको फॉलो करते हैं या उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। तुम्हें इनमें से कोई भी गुण नहीं तो वो कैसे तुमसे प्यार कर बैठी? मैं सो रहा था, उसने जगाया और मैंने लात मारी और वो गिर गई। उठा, लात मारी, गिर गई, ये क्या है? किसको मारा, कोई गिरा, यही सब चलता है क्या? अरे जिसको मारा लड़की पसंद करेगी क्या? लड़कियों को अपनी इज्जत बहुत जरूरी होती है। इज्जत? मैंने उसे उसके कॉलेज में बलात्कार होने से बचा लिया था। शायद तुम्हें खुद ही करना हो। मैं अभी नशे में हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? मुझे बात को सीरियस। उसे मुझे भूलना होगा। LLB एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ। क्या बकवास है, जो लड़की तुमसे प्यार करती है ये एक अजूबा है, लेकिन उसके मना करके गलत ही हो रही है। इट्स अमेजिंग, आई कांट बिलीव यू नो। मुझ पर मर्डर केस लगा हुआ है यार। मर्डर केस? मुझे जेल जाना ही है। तुम्हारा असली रूप अब बाहर आ रहा है कि तुम कैसे हो मेरे दोस्त? कैरेक्टर क्रैक हो रहा है कि तुम बहुत बड़े क्रैक आदमी हो? वो अच्छी लड़की है भाई, वो उससे प्यार करती है जिस व्यक्ति ने उसे चोट पहुंचाई। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ मेरे दोस्त, इस मुद्दे को काफी सीरियसली लेना होगा। एक काम करो, तुम उसे घर क्यों नहीं छोड़ देते? मैं घर छोड़ सकता हूँ लेकिन मुझे भुलाना ज्यादा जरूरी है। कॉम्प्लिकेटेड है, सेक्शन 143 उल्टा लगे। वाओ, ये बहुत ही रोमांटिक जगह है, मुझे ये सब नहीं पता था। क्या तुम कुछ करोगे क्या? तुम्हें बहुत उम्मीद है, तुमने आई लव यू बोला है लेकिन मैंने कबूल नहीं करा है। देखो, ग्लैमर और पढ़ाई दोनों में मैं तुमसे बेहतर हूँ, और पैसों की बात ना करें तो ही अच्छा है। ना तुम समझदार हो ना ही बिल गेट्स, तुम मुझे मना क्यों करोगे? इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ लेकिन मेरे मन में भी एक ड्रीम गर्ल है, मुझे पता है वो कैसी होनी चाहिए। मुझे बताओ तुम उससे क्या उम्मीद करते हो? मैं चाहता हूँ कि वो मेरे जैसी बने। धुआं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम, उसे मेरे साथ दारू पीनी चाहिए लेकिन तुम दूध पीते हो, तुम कैसे शराब पियोगी? मुझे पोकर खेलना बहुत पसंद है लेकिन मैं अकेले नहीं खेल सकता ना, और तुम्हें खेलना आता ही नहीं।
देखो तुम कमिटेड स्वभाव की और मैं लापरवाह, हम बिल्कुल भी सही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पृथ्वी और आकाश, आग और पानी, मैं और तुम एक दूसरे के लिए नहीं बने। अगर मैं पागल हो गया तो एक बात बोलूं, हाँ मैं बाकी लोगों की तरह नहीं जी सकता। मुझे अलग तरीके से जीना पसंद है। हर कपल शादी के बाद ही सेक्स करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं शादी से पहले सेक्स करूं। तुम्हें सही लगता है? मैंने सोचा था तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन तुम तो जीने के भी लायक नहीं हो। ए, 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 कौन है वो? ए, दफा हो जाओ। स्मोकिंग करना एक कला है। मैंने पापा की आधी बोतल पी ली। मुझे पोकर खेलना नहीं आता, लेकिन मैं सीखूंगी अगर तुम सिखाओगे तो। आखिरी मांग क्या थी? शादी से पहले पहली रात है ना, इसीलिए इस समय आई हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे मेरे शरीर का इस्तेमाल कर लो। आओ, इधर आओ। ए, तुम तो एक प्यारी परी हो, तुम चुड़ैल में कैसे बदल गई? शी, 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 बंद करो, तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी बनी हूँ। था ना वो सूरतपुरम वाला है, देखो उसने हमारी बेटी और दौलत दोनों को झड़प लिया है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रस्टेज। मुझे लगा मेरा दामाद फौरन से होगा या कोई अमीर होगा, सड़प छाप नहीं होगा। उसे 10 लाख का चेक दो और कहो कि चले जाए। तुम्हें कहा था वो चीट है, अगर वो भाग गया तो हम यही चाहते हैं, और उसकी यही कमजोरी भी है। वो सिगरेट थी, बताओ वो सिगरेट थी ना, तुम क्या छुपा रहे थे? ए, मुझसे डरते हो? डरता नहीं हूँ, बस बुरा लगता है। क्या क्या कहा? तुम्हें दुख होता है मैं डिसेबल्ड हूँ है ना, या मैं भूखा लगता हूँ है ना, यही लगता है ना, तुम यही समझते हो ना है? दुख क्यों होता है? देख क्यों दिखाती है, है? मुझे बताओ ना, बता ना मुझे, मेरी तरफ देख, बता मुझे। मुझे शरद की तरह क्यों देखा? वैसे भी कल रात तुमने पेट भर लिया था ना, तुमने अपनी पेट क्यों नहीं दही? हाँ, आलस की वजह से ना, एटीट्यूड से ना। ए, एटीट्यूड तो ठीक है, लेकिन मुझसे आलस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, समझे? पाप बीमारी है और आलस दुर्भाग्य है, ये आयुर्वेदिक स्क्रिप्ट ने लिखा है, समझे? और इसलिए अगर आलसी नहीं रहे तो तुम बच्चे करोगे, समझे? अपने दांत मत पीसो मेरे सामने, ये मत कर, समझ गया? मत कर ये मेरे सामने। अगर मैंने तुम्हें फिर से करते हुए देखा या घूरते हुए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गया? मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा।
तुम्हें मिठाई दूं या कुछ गर्म? ओ हवा क्यों निकल रही है लड़की? हे क्या कर रही हो? हे क्या कर रही हो? मैं हवा चेक कर रही थी। इसे चेक नहीं निकालना कहते हैं। मुझे कॉलेज जाना है, उसे उठाओ। उसने अभी तक नहीं उठाया। सूरज पहले से ही आसमान में, तो बेवकूफ आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। या तो आज ये बचेगा या कोई एक बचेगा हम दोनों में से, उसे लात मार दूंगा बस। वो ऐसे सो रहा है जैसे कुंभकर्ण हो, समझ के नहीं आता। हे 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 ड्राइवर, हे हे ओरा। ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने सूसु कर दिया है। जी जी, पानी को साफ करो। मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो। तुम 10 लाख निकलवाओगे? चेक लेकर जरूर गया लेकिन खाली हाथ आएगा, वो उसे खर्च कर देगा और जब वो खाली हाथ आएगा तो हम उसे निकाल देंगे। यही हूँ रुको। ए मेरे दोस्त, चला जा साईं बाबा के मंदिर चले। अरे वैसे नहीं, मैंने LLB पास कर लिया ना। चल मिठाई खिलाता हूँ तुझे, चल चल। आई मेरा सुझाव काम करेगा क्या तुम्हारे ऊपर? ये मुझ पर उल्टा पड़ गया है, रिवर्स हो गया। ये कोई मार्क है भाई? कपड़े पे नहीं, एक पर्स मार्केट। ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ ब्रो, यहाँ क्यों रोक दिया? क्लब के सामने किस्मत आजमाने जा रहे हो? तुम बहुत बदल गए हो, अच्छी बात है। हेलो सर, कलेक्शन कम है सर। एक मांगने की हिम्मत है? इस तरह मुड़ो, आओ आओ मैं सर तुम्हें दिखाता हूँ। जी सर, जी मैडम। अबे जोर से। सर मैडम मुझे आर्म्स दो। सर गुरुजी। तुमने ये देखा, ठीक से करते रहो ठीक है। मैं आपका भाई। चलो चलो। तुमने देखा भाई, अगर कोई भगवान से मांगता तो वो होता है भक्त, जो मंदिर के बाहर भी मांगता है वो होता है भिखारी। तुमने ये देखा, मांगने हम सब भी किए आए हैं लेकिन बस थोड़ा सा नजरिए का फर्क है, और जो बोलता है बिल्कुल वैसे होता है। लड़की के सामने भी यही होता है कि भक्त और भिखारी में फर्क होना ये हमारे ऊपर है कि हम कितने अच्छे सोच रहे हैं उसके बारे में। बस ये सही है ना? वो पूरे के पूरे 10 लाख ले आया। अच्छा, उसने ना ही कोई 1 रुपया निकाला ना कि कुछ गलत किया है। एक काम करो, उसे कैश दे दो और जमा करने के लिए कह दो। मैं कुछ गुंडों को भेज दूंगा जो जाकर कैश लेकर उसकी हड्डी तोड़कर आ जाएंगे। ठीक है। पता चलेगा। हेलो हेलो, मुझे मार्केट छोड़ सकते हो क्या? है हाँ ठीक है, चलो चलो। तेरी तो ए, तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हे, जब तुम हो तो मैं एक्टिंग कैसे करूंगा यार।
ये सब बंद करो। नहीं 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 सर 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 सर, हम तुम्हारे सामने परफॉर्म नहीं कर सकते यार। कैसे परफॉर्म करेंगे हम तुम्हारे सामने बताओ? मेरा मतलब है तुम चाहते हो मैं तुमसे भीख मांगू? हे कभी कभी ग्रहण भी सूर्य को ढक लेता है यार। हे यहाँ तक कि भगवान शिव भी कभी कभी दुर्भाग्य से फंस जाते हैं यार। हे वो चीज मेरे साथ हुई थी। आज तुम्हारी बॉडी वापस आएगी और ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। देखना ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, तुम्हारी बॉडी वापस आएगी। मैं ब्रह्मा हूँ समझे, मैं ब्रह्मा, मुझे सब पता है। देखो तुम्हारे सामने क्या है, देखो। सजा के लिए तैयार रहना बस। बैग ले लो। मेरा शरीर गर्म हो रहा है और दाने हो रहे हैं। अच्छा छाछ चाहिए, उससे कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे शेक चाहिए। पैसे डलने का मैसेज नहीं आया, खो गए या तुमने खर्च कर दिए? तुम्हें इतने सारे पैसे देना मेरी गलती थी। मैं दुश्मन पर भरोसा कर लूंगा लेकिन तुम पर नहीं करूंगा। काउंटर फाइल, सर्वर डाउन है, मैसेज में थोड़ी देरी हो सकती है। वो घाव क्या है? कुछ नहीं, बस एक एक्सीडेंट था। फिल्म को फाइट मास्टर लगता है ये बंदा तो। है भगवान, मुझे इससे सावधान रहना होगा। मैं कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बेफालतू बोलता हूँ। वो देखेगा तो बस खत्म हो जाऊंगा। ए, तुम वहां पर क्या बकबक कर रहे थे? आवाज ऊंची नहीं है, जोर से नहीं बोला जाता। हाँ तुमने कहा था तुम ब्रह्मा हो जो सब कुछ जानते हैं। सॉरी मेरी गलती थी। अच्छा अब क्या? जो भी तुम कहो। और भूख लगी तो? ऑर्डर तो मैं ले आऊंगा ना। सिगरेट चाहिए हो तो? मुझे लगा तुमने छोड़ दिया। लो 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 ना, अभी देता हूँ। बियर चाहिए हो तो? खुद डाल दूंगा जी। लगता है सही रास्ते पर हो। तुमने मुझे बनाया सर। हाँ हाँ सर, ऑरेंज जूस ले आऊंगा क्या? यहाँ बैठिए ना, बैठिए ना। मैं बढ़िया सर दो बढ़िया जूस लेकर आता हूँ, बैठे ना। अबे तूने गुंडे भेजे थे या बेवकूफ भेज दिए? उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके ना कि 10 लाख पैसे खींच पाए। वो 10 लाख लोगों से लड़ा लेकिन वो बदल कैसे गया ये बात समझ नहीं आई। वो मेरी बेटी के लिए टेंडर निकाल रहा है, कुछ करो। वो कुछ गलत नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हारी बेटी के साथ है, लेकिन उसने पहले जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा। उसकी शर्ट पर उसके गाँव का नाम और उसके टेलर का नाम लिखा है, देखो। खेल खत्म।
मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अगर कोई वहाँ से कूद जाए तो एक मिनट में सांस रुके कि दूसरे मिनट में ऊपर, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाई। हेलो, रुको, तुम पागल हो क्या? छोड़ो मुझे, मेरे मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारे हिसाब से कम हूँ। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है? ए पागल लड़की, मुझ पर एक मर्डर का केस है, मैं किसी भी दिन जेल जा सकता हूँ। ओ अच्छा, मुझे अपने से दूर कर रहे हो? नहीं, यही सच्चाई है। अगर हम शादी कर लेंगे तो तुम जेल में आती रहोगी। तुम्हारे पापा को ये पता है, वो मुझे दूर करने का प्लान कर रहे हैं। उसे ले जाओ, गोली बर्बाद होगी सर। जज साहब, कानून के हिसाब से मारना गलती है और खून करना गुनाह है। मैं चाहता हूं कि उनके गुनाह के लिए उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। ऑनर प्लीज। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। या प्रोसीड। थैंक यू जज साहब। जज साहब, कानून के हिसाब से मारना एक गलती और खून करना एक गुनाह है, लेकिन आरोपी ने खून नहीं किया है। ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से वो मरा गया। योर ऑनर, चूसिन वारु साक्ष्यम स्पष्टंगा चेप्तुन्नारु चंपिंदि मुद्दाये अनि। योर ऑनर, आपको नहीं पता कि गवाह के दोस्त इस अदालत में माननीय नहीं है, और जो सामने जितने भी लोग हैं सारे उनके दोस्त ही हैं, इसलिए हम उनको इसमें नहीं माना जाएगा। ये मेरी आपसे। योर ऑनर, गांव के ज्यादातर लोग उसके विक्टिम्स हैं, मैं प्रूव करता हूँ इस बात को। परमिशन ग्रांटेड। नमस्कार सर। तुम तो लिखने सिखाने वाले टीचर हो, तुम्हारा हाथ क्यों मुड़ा हुआ है? सर, शैतानों के बारे में सिर्फ कहानी में सुना है मैंने, लेकिन पहली बार मैंने उसे जिंदगी में देखा। इसे कोई हमदर्दी नहीं है कि मैं एक टीचर हूं, उसने मेरा हाथ ऐसे किया। मुझे उससे बहुत दुख हुआ। मौत की सजा भी उसके लिए कम है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मिस्टर जस्टिस, क्या आपको पता है कि वो टीचर कैसे बने जो स्टूडेंट को पढ़ाता है? उसका नेगेटिव एटीट्यूड देखते हुए मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि उसे सजा मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन जज साहब। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क योर क्वेश्चन? हाँ, हिंदुइज्म को कौन सी कंट्री फॉलो करती है? इसका जवाब सरासर भारत है सर। जज साहब, 80% हिंदुइज्म नेपाल में भी है और बुद्धिज्म के बाद भी आता है, ये चीज को माननीय है। नेपाल हिंदुओं का सबसे बड़ा देश है और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे वकील साहब को नहीं पता, इसलिए इनकी राय लेना तो बेवकूफी होगी। यह बस इस बात को जोर दे रहा है कि इसने टीचर को मारा है बस। अगर रीजन पता चलेगा तो क्रेडिट का कलेक्टर भी पता चलेगा। क्या मैं विटनेस बॉक्स में बुलाऊं लोगों को? हाँ। योर ऑनर, ये उसी स्कूल की एक काफी काबिल स्टूडेंट है, क्या आप बता सकती हैं कि उस टीचर को क्यों मारा गया, क्या कारण था इस चीज का? क्या शांति, तुम एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही हो, क्यों बता सकती हो? उसके पीरियड चल रहे हैं, आप समझिए। ओ अच्छा, क्या मैं कुछ देख सकता हूँ? हैं, मुझे दिखाओ। सर, मैं ये बता सकती हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें मैंने सिर्फ अपने भाई को ही बताई हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। तो देखा जज साहब,
मेरे क्लाइंट का करेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। राजू की वजह से हत्या भी नहीं हुई है, उनकी झड़प जरूर हुई थी लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं है बल्कि लड़ाई में वो भिड़ गया और यही सबूत है इस चीज का। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि अजय ने शराब पी हुई थी सर। अजय बचपन से ही राजू से जलता था सर, यही कारण था कि उनकी झड़प भी हुई। मेरे बचपन से ही मेरे आगे सारे झुकते हुए हैं लेकिन तू कभी नहीं झुका, तुझे क्या काट डालूं क्या? मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसमें कोई शक नहीं सर। बात सुनने से तो ऐसा लगता है कि अपराधी की मंशा इस मामले में बिल्कुल ठीक थी। इसकी वजह से एक इंसान की मौत हुई है तो इसके अदालत इसे आईपीसी धारा 302 के तहत 303 के तहत उम्र कैद सुनाती है। मुझे लगा था मर्डर स्टोरी बोरिंग होती है लेकिन इससे एक बेहतरीन लव स्टोरी है इसमें तो। जो भी हो लेकिन अब सब कुछ बंद है। ए क्लोज आवडमेंटी अन्ना గురించి అమ్మా ఎన్ని రోజులైనా వెయిట్ చేస్తుంది। ये 5G जनरेशन है, लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलने में माहिर हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करेगी अब। हां संभव। ए नहीं तुम गलत हो, वो सीता की तरह उसका इंतजार करेगी, सच में देखना तुम। ए 6 बज गए, उठो। हम सोए नहीं थे सर। जाग जाओ सारे, जाग जाओ। हे पीकॉक, बढ़िया है ना? हाँ। इतनी एक्साइटेड क्यों? तुम्हें पक्षी पसंद नहीं है? मुझे पसंद है। कौन सी पसंद है? कौवा। कौवा? कौवा? हाँ। कौवा में ऐसा क्या है? मोर में क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और? दास का प्रतीक। और? कौवे के बारे में कुछ भी पता है? अगर एक कौवा मरता है तो 100 आते हैं, ये एकता का प्रतीक है। कौवे को दूसरे पक्षियों से जलन नहीं होती है, वो संतुष्ट रहते हैं। कौवे पर बहुत सारे मुहावरे भी हैं, जैसे कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, कौवा बगला वगैरह वगैरह। और कौवे से बहुत सारी कहानियां बनी हैं। कौवे के बारे में कई अच्छी मॉरल कहानियां भी हैं। कौवे को भगाने वाले शनि से भगवान शिव भी डरते हैं, समझे? साथ ही में हम अभी भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज वापस आ गए जब कौवे हमारा प्रसाद खाते हैं। कौवे की यही खासियत होती है और मुझे ये बात सबसे ज्यादा पसंद है। ये अच्छा है। बाय लड़कियों। वो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देख रहा है। मेन एग्जाम है बाबू, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इतनी परेशान है? अरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, 100 नंबर भी आए तो कुछ नहीं होगा। कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया, फ्लाइट का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। ये सब भी तो आदमी ही है ना, औरत ने अभी तक कुछ बनाया है? सही कहा। रेस्टोरेंट से बिरयानी, सॉरी नहीं 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 नहीं, मैंने बनाई है। ब्रह्मा तुम ज्योतिष के पास जाते हो, ऐसा है क्या? उसने जिंदगी में क्रोध के लिए मुझे नाम बदलने को कहा। सच में उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए, एक प्रभास और दूसरा प्रभास के भगवान बॉस। तुम्हें बॉस बनना है? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही मेरे बॉस हैं सर, आप ही हैं। मुझे खुशी खुशी शादी करनी है। अच्छा मैनेज किया है। दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ? पावर स्टार पवन कल्याण ना। तुमने अपना नाम पवन रखा ताकि स्टार बनोगे? जी। नाम में क्या रखा है, जैसे तुम पागल? आपने ऐसा क्यों कहा मैडम? मैडम नाम नाम क्या है जी? एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ अम्मा, बिल्कुल छोटी सी। एक जमाने में धीरू भाई अंबानी एक अवेर इंसान थे और उन्होंने संपत्ति को 2 पुत्रों में बराबर बांट दिया, बिल्कुल दोनों को बराबर किया, और एक ने सब कुछ खो दिया और दूसरे का पूरा देश है, पूरा देश है, और उसका नाम पता है क्या है? मुकेश। ओ मुकेश, और उसके नाम में कैश आता है, अनिल के नाम में नील नील आता है, वो बिल्कुल बेवकूफ है, कॉमेडी करता है लेकिन सब कुछ सच बोलता है। थैंक यू। Thank you.
मेरे बाद की ये भागदौड़ यही संभालेगा अगली पीढ़ी का काका लीडर। नारायण फैमिली की वजह से ही ये मीटिंग हो रही है। अपने पूर्वजों के समय से ही हम सबकी सेवा करते हुए आ रहे हैं और इससे किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। मुझे पता है कि बेटे को खोना कैसा होता है। हमारी वजह से कोई कुछ ना खाए, यही मेरा कहना है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो ये नारायण फैमिली है उसे हम रिहा करवाएंगे और ये केस छुटवाएंगे, और इसलिए आपकी मदद चाहिए मुझे। कहीं पर जाना है। सर वो वहां है। क्यों आए हो तुम यहां? क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता। हमारी बेटी के लिए, वो तुमसे थक गई थी और इसीलिए वो यूएस चली गई। वो अब चली गई है। वो वहां पर सेटल हो गई है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगर अब तुम दोबारा यहाँ आए तो तुम फिर से जेल जाओगे। भागो यहाँ से। मैडम कहीं नहीं गई, वो तुम्हारे लिए रो रही हैं। ये लोग ज़बरदस्ती अगले हफ्ते उसकी शादी करवा रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ पर है, लेकिन तुम्हें उन्हें बचाना ही होगा। हाँ बोलो। अरे वो जेल से बाहर आ गया है असल में। अरे तुम सीरियस हो जाओ इस बारे में। अगर वो सेरेमनी में आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो ना? चिंता मत करो, इस बार मैं उसे प्रोफाइल पिक भी डिलीट करने के लिए क्या दूंगा, ठीक है? ए, तुम पागल हो क्या? ये करोगे तो लोग मर सकते हैं। मेरे पास उसे बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुम कहाँ हो? हाँ मैं हूँ। हेलो Don't
मुझे यहाँ देखकर तुम्हें शौक लगा क्या? जब से तुम भागे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। जैसे तुम मिले तुम्हारे को पुलिस ने पकड़ लिया, मैंने तुम्हें मारने का सोचा था। उस कमीने को मार डालो, गोली बर्बाद होगी सर। बिल्कुल सही बात है कि जज साहब ने तुमको मौत की सजा सुनाई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। उसकी बातों से फैसला बदल गया। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, ये फांसी तुम्हारे लिए काफी नहीं। मुझे पता था कुछ भी हो लेकिन उसे मौत नहीं मिलेगी, और इसीलिए ही मैं गांव वालों के लिए भगवान बना और तुम्हें बाहर निकलवाया, और अब तुम्हें मार कर रक्षक बन जाऊंगा। हे बॉस, मैंने उसे पकड़ लिया, मारो उसे। हे ये क्या, वो एक बारी में वहां गिर पड़ा है, चलो। अरे उसे कुछ हो गया तो हम फंस जाएंगे, चलो उसे पकड़ो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तुम लगे हो कि वो तुम्हें मारने आए थे और वही तुम्हें बचा कर चले गए। तुम्हारे पास एक हथियार है, ब्रह्मास्त्र। मेरे पास उसे बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुमने जैसे कहा, मैंने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया है। तुम साइन करो और मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? और
उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश करी। आपने अपने प्यार की वजह से ऐसा किया सर, कंप्लेन दर्ज हो चुकी है, परसों कोर्ट में पेशी है, उसकी कुछ ही दिनों में शादी है। अगर वो नहीं गई तो सर वो क्रिमिनल बन जाएगी। क्या है तुम कोर्ट में खेल रहे हो? सर सोर्स, मैंने केस को प्यार से करा था, गुस्से से नहीं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, जैसे बड़े करते हैं। उसके पेरेंट्स से मान नहीं रहे, उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी, इसलिए मैंने ये किया सर। क्या ये बात बिल्कुल सच है? सच है सर। अभी इनकी क्या शादी कराएंगे, ये भी माइनर है। माइनर की शादी कैसे हो सकती है सर, आपको ये बात का पता नहीं? पर वो मेजर है। तो आई एम संजू फ्रॉम यूएसए, उसकी शादी मुझसे होने वाली थी। उसने ये डॉक्यूमेंट्स मुझे वीजा के लिए दिए थे, इसके अंदर उसका बर्थ डेट लिखा हुआ है और बहुत कुछ है सर, प्लीज चेक। तुम यहाँ न्याय के लिए आए हो, तुम्हें क्या उम्मीद है न्याय से? मैं जीना नहीं चाहता सर, लेकिन मुझे उसी के साथ जीना है सर। उससे शादी करनी है? सर मेरी बेटी करोड़ों की जायदाद रखती है और ये ट्रैप में फंसा रहा है उसे। जरा मुझे एक पापा की दृष्टि में एक बार समझ के देखिए सर। देखो अदालत सबूत में विश्वास रख, हालांकि वो अमीर है पर ये तुमसे प्यार करती है, इसके प्यार में ईमानदारी है, लेकिन तुम्हारे प्यार का क्या, क्या तुम बता सकते हो कोर्ट को? औषधीय और गैर औषधीय पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, मोहब्बत भी वही है सर। प्यार अमीर और गरीब में बिल्कुल भी फर्क नहीं दिखाता है सर। नहीं, बात एक दो बार की नहीं है, मैंने उसके लिए 6 बार पूरे 6 बार खुद को पोक किया है। ये उसके लिए मेरे प्यार दिखाता है, पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत दिखाता है। शाबाश मेरे दोस्त, शानदार, बढ़िया सर। इतिहास के पहले प्रेमी हो जो न्याय के लिए कोर्ट आया, काफी अजीब बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों मेजर हैं और कोर्ट ने इन दोनों के प्यार में ईमानदारी देखी है और अदालत पुलिस को सरकारी धन खर्च करने की अनुमति देती है कि इनकी शादी इनकी पसंदीदा जगह पर की जाए इनकी इच्छा के अनुसार। सर मुझे ये जगह पसंद है, इसे भी कर दीजिए। कोर्ट में शादी नहीं हो सकती है, ये है इंसाफ की जगह, इससे बढ़कर कोई जगह नहीं। ये तुम क्या कर रही हो, कोर्ट के सामने करो जो करना है, ग्रैंड पार्टी देनी है मुझे तुम्हारी शादी की। हाँ, ग्रैंड वेडिंग, कोर्ट के बाद तुम क्या करोगे ये हम सब जानते हैं, समझ में आई ना? योनर उनका समाज में इतना प्रभाव है कि ये कुछ भी करने के लिए अपनी इज्जत बचा लेंगे। इज्जत के लिए सारी कुछ भी कर सकते हैं। गुजारिश है कि आप शादी करा दें तो ये चुप होके बैठ जाएंगे। असंभव है जज साहब, सब कुछ तैयार है, बस आप इसकी अनुमति दें तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं मिनट में करा दूंगा। ठीक है ठीक है। ए, क्लाप, क्लाप, क्लाप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे? सुपर गाना है।
डांस अच्छा नहीं है, एक बार और कोशिश करो। शिट यार, तुम एक घंटे से एक ही बात कह रहे हो यार। अगर खाना अच्छा है तो तुम्हें डांस नहीं करना, अगर डांस ठीक है तो तुम्हें गाने में प्रॉब्लम है। अच्छा क्या लगता है, गाना गाना ये सब बकवास है यार। ये कैसा लग रहा है यार? कुछ अलग लग रहा है। मैंने अपना पेट कम किया है। क्या ये ढोल जैसा ही है? मैं कह रहा हूँ डांस में कुछ कमी है। कोई हीरोइन नहीं है, मैं कैसे करूँ? हीरोइन चाहिए। असल में तुम बस नाचो, वो आएगी और तुम्हारे साथ नाचेगी। आ, सुपर, क्या एनर्जी है इसकी। तुमने बहुत मेहनत की, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, दबा दो। मैंने बहुत मेहनत करी है और अब मेरी टांगे दर्द हो रही हैं। हे, ठीक है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ढंग से दबाओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ना, 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 ना। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? साहब ने कहा तुम हरामी कुत्ते हो। अगर उसने मुझे कुत्ता कहा तो वो सोचो तुम्हें क्या कहेगा। ए, तुम दबा रहे हो या मार रहे हो? देखो अगर ऐसा कहोगे तो मैं गांव चले जाऊंगा। गर्मी बरसात सर्दी वैसे ही तुम भी बदल जाओगे। अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं मैडम को बता दूंगा। वाह मैडम, वो मेरे अंडर काम कर रही है, वो कैसे मदद करेगी? कॉलेज का समय हो रहा है, गाड़ी निकालो। क्या निकाल? लाना जाओ, वो टायर धोलो, स्टीयरिंग हिलाओ, समझे? शिट, पोजीशन बदल गई है लेकिन पोस्ट वही है। जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ। तुम्हारे गले की चेन कहाँ है? कॉलेज के लिए देर हो रही है, समझो ना। इस दुनिया में मम्मी के बाद गले की चेन जरूरी है, बंद करो और पहनो। मुझे क्या बंद करना है? दरवाजा। मैं बहुत थक गया हूं। अगर रात को नाइट आउट करोगे तो सुबह नींद आएगी ना? शरीर में दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द नहीं होता? तुमने मेहनत करी है तो मुझे मजा आया, मुझे दर्द क्यों होगा? जो भी हो तुम बाहर मत निकलना। वो हम किसी व्यक्ति को तो मार सकते हैं लेकिन उसके गुणों को कभी नहीं मार सकते। मुंह खोलेंगे तो हमारी इज्जत शोहरत से खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, यही तो दिक्कत है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार दूं लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम महान हो, एक अच्छा इंसान कभी गलत नहीं करता, लेकिन मैंने अपने बेटे को गलत तरीके से पाला है। ये कुछ भी सही नहीं है, मैं ये जानता हूँ, और यही कारण है कि तुम्हारा जीवन ज्यादा अच्छा है। हमेशा खुश रहो। मुझे डर लग रहा है। तभी तो मैं कूल था। चलो।